समय की अपनी गति है, समय की है अपनी चाल। समय को गिन लेना या माप लेना ये बस कोशिश भर है। समय अनंत है, उसका न कोई शुरुआत है, न आदि है, न अंत है। लेकिन फिर भी चूंकि हमें समय के साथ चलना है और समय के साथ जीना है, तो उसे गिनना भी है। समय के गिनने के अलग अलग रूप हैं, तारीखें हैं, कैलेंडर हैं। वो कैलेंडर कैसे बने, उन कैलेंडरों का अस्तित्व कैसे हमारे सामने आया, और क्यों तारीखें बदलने के बाद कई बार कैलेंडर भी बदल जाते हैं, जानना सचमुच दिलचस्प होगा। आइए हमारे साथ जानिए एक मुद्दा दस बातें। नव वर्ष कैसे कैसे। नया वर्ष नवीनता, उत्साह और आनंद का प्रतीक है। इसे नव संवत्सर, नव वर्ष, न्यू ईयर, नवरोज आदि के नाम से भी जाना जाता है। कालगणना में कल्प, मनवंतर, युग आदि के पश्चात संवत्सर का नाम आता है। संवत शब्द संवत्सर का अपभ्रंश है। भारत का सबसे प्राचीन संवत है कल्पाब्ध। इसके बाद सृष्टि संवत और प्राचीन सप्तर्षि संवत का उल्लेख मिलता है। युग भेद से सतयुग में ब्रह्म संवत, त्रेता में वामन संवत एवं परशुराम संवत तथा श्रीराम संवत, द्वापर में युधिष्ठिर संवत और कली काल में कली संवत एवं विक्रम संवत प्रचलित हुए। हिंदू पंचांग पर आधारित विक्रम संवत या संवत्सर उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसे युगादि या उगादि के नाम से भी भारत के अनेक क्षेत्रों में मनाया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व हुई थी। यह संवत हिंदू माह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से शुरू होती है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। 12 राशियां, 12 सौर मास हैं, 12 माह, 12 चंद्र मास हैं। चंद्र की 15 कलाएं तिथियां हैं। यह कैलेंडर हिंदू पंचांग और उसकी सभी धार्मिक गतिविधियों में उचित बैठता है, इसीलिए इसे हिंदू कैलेंडर के रूप में मान्यता मिली हुई है। माना जाता है कि इसे शक सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसी शक संवत में मामूली फेरबदल करते हुए इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषित कर दिया। राष्ट्रीय संवत का नववर्ष 22 मार्च से शुरू होता है, जबकि लीप ईयर में यह 21 मार्च होता है। यह संवत सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से शुरू होता है। बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 17 अप्रैल को नया साल मनाते हैं। कुछ 21 मई को नया वर्ष मानते हैं। थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओ के लोग 7 अप्रैल को बौद्ध नववर्ष मनाते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नववर्ष दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई, जबकि पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नववर्ष 1 मार्च से शुरू होता है। दुनिया भर में आज जो कैलेंडर प्रचलित है उसे पोप ग्रेगोरी अष्टम ने 1582 में तैयार किया था। ग्रेगोरी ने इसमें लीप ईयर का प्रावधान किया था। ईसाइयों का एक अन्य पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च तथा इसके अनुयायी ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता न देकर पारंपरिक रोमन कैलेंडर को ही मानते हैं। ग्रेगोरी काल दर्शक की मूल इकाई दिन होता है। 365 दिनों का एक वर्ष होता है, किंतु हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। भारत में ईसवी संवत का प्रचलन अंग्रेजी शासकों ने 1752 में किया था। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी साल के नाम से जाना जाता है। हिजरी सन की शुरुआत मुहर्रम माह के पहले दिन से होती है। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद जब मक्का से निकलकर मदीना में बस गए तो इसे हिजरत कहा गया। इसी से हिजर बना और जिस दिन वो मक्का से मदीना आए उसी दिन हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। हिजरी कैलेंडर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसमें चंद्रमा की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों का संयोजन नहीं किया गया है, लिहाजा इसके महीने हर साल करीब 10 दिन पीछे खिसकते रहते हैं। जैन नववर्ष दीपावली से अगले दिन प्रारंभ होता है। भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के अगले दिन यह शुरू होता है। इसे वीर निर्वाण संवत कहते हैं। लगभग 527 ईसा पूर्व महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। पंजाब में नया साल वैशाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि अप्रैल में आती है। सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार होला मोहल्ला यानी होली के दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत होती है। पारसी धर्म में नववर्ष यानी नवरोज मनाने की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई थी। आमतौर पर 19 अगस्त को पारसी धर्मावलंबी नवरोज का उत्सव मनाते हैं। नवरोज का अर्थ ही दरअसल नया दिन होता है। इस दिन पारसी मंदिर अग्यारी में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं।
चीन का कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है। इसका नया साल 21 जनवरी से 21 फरवरी के बीच पड़ता है। चीनी वर्ष के नाम 12 जानवरों के नाम पर रखे गए हैं। चीनी ज्योतिष में लोगों की राशियां 12 जानवरों के नाम पर होती हैं। यदि किसी की बंदर राशि है और नया वर्ष भी बंदर आ रहा है तो वह साल उस व्यक्ति के लिए विशेष तौर पर भाग्यशाली माना जाता है। यहूदी नववर्ष ग्रेगरी के कैलेंडर के मुताबिक 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आता है। हिब्रू मान्यताओं के अनुसार ईश्वर द्वारा विश्व को बनाने में 7 दिन लगे थे। इनके अलावा भारत में ही कई संवत अथवा नववर्ष प्रचलित हैं। इनमें प्रमुख रूप से फसली संवत, युधिष्ठिर संवत, बांग्ला संवत, बौद्ध संवत, सिंधी संवत, तमिल संवत, कश्मीरी संवत, मलयालम संवत, तेलुगु संवत और कई अन्य संवत प्रचलित हैं। इसी तरह हर देश का अपना एक अलग नववर्ष है, लेकिन लगभग सभी का नववर्ष या तो सूर्य के उत्तरायण होने पर शुरू होता है या दक्षिणायन होने पर। तो हमने देखा कि कैसे हमने समय को गिनने के लिए अलग अलग कैलेंडर, अलग अलग सन बनाए हैं। मूल मुद्दा यह है कि समय की गति कोई भाप नहीं पाया है। समय अपनी गति से चलता रहेगा, हम उसको गिनने के भ्रम में जीते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सिरा पकड़कर हम समय की इस चाल को जानने और समझने के साथ आगे तो बढ़ते ही रहेंगे।